ठीक है. द ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ अ कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ द पेशेंट प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मरीज आता है, आप उसे डायग्नोज करते हैं, चेक करते हैं, उसमें केरीज है, गम प्रॉब्लम है, लिप इनकॉम्पिटेंसी है, प्रोट्रूसिव लिप है, अपर इंसाइजस जो है ज्यादा प्रोक्लाइन है, लेबियोमेंटल सल्कस है, वर्टिकल उसका हाई है. हुआ क्या कि मरीज आपके पास आया और द पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद सम कि जी उसका जो है वो दांत बाहर की तरफ है, इंसाइजस यू आर मोर प्रोमिनेंट. यू बीइंग अ डॉक्टर एंड अ डेंटिस्ट, यू असेस द पेशेंट वेरी केयरफुली एंड विद अ सिस्टमैटिक अप्रोच यू डेवलप अ लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि उस पेशेंट में क्या क्या मसले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम टू अ लीस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम. मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम मीन कि कौन सी चीज सबसे पहले करनी चाहिए टूवर्ड द लीस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम. हुआ क्या कि आपने उस पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से असेस किया. असेस करने के क्या मेथड थे, वो चैप्टर 6 में आपने पढ़े हुए हैं कि हमने उसके जो है इंट्रोरल एग्जामिनेशन की, एक्सट्रोरल एग्जामिनेशन की, स्माइल एनालिसिस की, माइक्रोस्थेटिक एनालिसिस की और उसके फंक्शनल एनालिसिस, और सारे एनालिसिस करने के बाद इंक्लूडिंग योर मॉडल एनालिसिस एंड डिसेप्ट एनालिसिस एज वेल, यू डेवलप, यू मूव ऑन टू अ नेक्स्ट स्टेज और नेक्स्ट फेज. वो नेक्स्ट फेज या नेक्स्ट स्टेज क्या है कि आप एक लिस्ट बनाते हैं कि इस पेशेंट में ये मसले हैं, और उन उस लिस्ट में इट्स अ कॉमन सेंस कि आप वो चीजें सबसे ज्यादा पहले लिखेंगे या प्रायोरिटाइज करेंगे कि जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, विच शुड बी ट्रीटेड एट द अर्लीस्ट. ठीक है, तो उस लिस्ट के बनाने का नाम जो है the ability of any orthodontist या general dental practitioner to develop or to comprehend a kind of a list of problem जो जो presenting patient के साथ है, this is basically called a diagnosis. जिस तरह for example आपके पास एक मरीज आया, खांसी है उसको, ये अलामत है, जब कुछ है, और आपने कुछ टेस्ट उसके करवाए, चेस्ट टेस्ट, एक्सरे करवाया, और एक्सरे कराने के बाद उन टेस्ट और एक्सरे की फाइंडिंग पे भी आपने कहा कि जी इसको टीबी है, तो इस प्रोसेस को आपने कहा कि ये डायग्नोसिस है. ऑर्थोडॉन्टिक्स में इसको क्या किया कि आपने एक्सरे करवाए, सेफ एनालिसिस करवाया और कहा कि जी इसका वर्टिकल जो है वो हाई है, इसके अपर इंसाइजेस प्रोक्लाइन है, इसके लोअर इंसाइजेस लेट से रिट्रोक्लाइन है, इस पेशेंट में ओपीजी के अकॉर्डिंगली जो है वो थर्ड फर्स्ट मोलर बहुत ज्यादा केरियस है. ये सारे प्रॉब्लम लिस्ट के बनाने के प्रोसेस को जो है वो ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस का नाम दिया जाता है. ठीक है, अब ये पहला मरहला जो था वो था डाटा कलेक्शन, फिर दूसरे मरहले में डाटा को एनालाइज किया जिसमें आपने सेफ एनालिसिस किया, मॉडर्न एनालिसिस किया, मिक्स्ड डेंटिशन एनालिसिस, जो मर्जी एनालिसिस करने के बाद जो उसका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को आपने टेबलेट किया, एंड दिस लिस्ट ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम द डायग्नोस्टिक डाटा, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस. सो अब डायग्नोसिस के बाद अगला स्टेप जो है वो आ जाता है ट्रीटमेंट प्लानिंग, जो बेसिकली आज का चैप्टर है और जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. ट्रीटमेंट प्लान का मतलब क्या है कि व्हाट वुड बी अवर कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम लिस्ट. प्रॉब्लम लिस्ट का नाम हमने दिया था कि दिस इज ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस. उस ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस की बेस पर हम इन मसाइल को, इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके या किस स्ट्रेटेजी के साथ हल करने जा रहे हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग. और ये ट्रीटमेंट प्लानिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो मैक्सिमम बेनिफिट दे रही है पेशेंट्स को और विद द मिनिमल कॉस्ट. मिनिमल कॉस्ट और मैक्सिमम बेनिफिट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट ओवरजेट के साथ आया है, तो आप ये प्रॉब्लम कितने अच्छे या कितने स्मार्टर वे के साथ हल कर सकते हैं. यू कुड हैव मेनी ऑप्शंस टू ट्रीट दिस ओवरजेट. अपर को रिट्रोक्लाइन कर लें, लोअर को प्रोक्लाइन कर लें, सर्जरी के साथ कर लें, ग्रोथ मॉडिफिकेशन के साथ कर लें. फ्रॉम द मेनी ऑप्शंस यू वुड बी सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन, एंड दिस ऑल प्रोसेस एंड इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स टू गेट द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर दिस सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग. ट्रीटमेंट प्लान का मतलब क्या है कि उस प्रॉब्लम लिस्ट को जो कि आपने डायग्नोसिस के साथ डेवलप की है, उसको आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या आपके पास स्ट्रेटजी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अब पहला इसमें ये था कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मरीज आता है कि उसकी प्रॉब्लम है कि क्राउडेड इंसाइजर्स हैं. ठीक है, अब आप क्या करेंगे,
उसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डायग्नोस्टिक डाटा कलेक्ट करना। आप उसकी क्या एनालिसिस करेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सब कुछ एनालिसिस करने के बाद आप एक लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होगा कि वो जो भी प्रॉब्लम लिस्ट बन रही है जिसको हम डायग्नोसिस का नाम दे रहे हैं, उसमें सबसे ऊपर आपने रखना है वो प्रॉब्लम जो कि आपके समझ बूझ के हिसाब से प्रायोरिटाइज पे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा कि अपने चैप्टर 6 के नॉलेज से कि सारी प्रॉब्लम्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है और एक ऑर्थोडॉन्टिक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स है। पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आ रहे थे कि गम प्रॉब्लम और केरीज, यानी कि ये पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है, ये पैथोलॉजी जो है वो सबसे पहले ट्रीट होने चाहिए बिफोर गोइंग टू डेवलपमेंटल ऑर्थोडॉन्टिक प्रॉब्लम्स। सादा जबान में कहूँ तो पेशेंट हमारे पास आया एंड इफ ही इज नॉट अवेयर ऑफ केरीज एंड ही इज नॉट अवेयर ऑफ गम प्रॉब्लम्स, देन दीज केरीज एंड गम प्रॉब्लम्स आर बेसिकली दी पैथोलॉजिकल प्रोसेस। ये पैथोलॉजी चल रही है, जब तक आप इस पैथोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर लेंगे आप जो है वो, जैसे मेलानाइट ऑफ द लोअर, दिस इज रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द केरीज, एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग केरीज इन द लोअर 6। Please keep yourself mute. Okay, I'm not allowed to. So, for example, in this example, let's see ke in the crowded teeth, the patient chief complaint is a crowding, but you assess there is the periodontal problem. So, you will prioritize the periodontal problem at first place, and you're going to start the treatment of the periodontal problem primarily. And later on, when the patient will be pathology free, when the patient will be pathology free from the caries, from the periodontal problem, and from the TMD and other problem, then only then you will be start doing the orthodontic treatment. However, in the treatment planning, we will say okay, we will treat the pathology first. Your strategy would be you will treat the pathology first and you will treat the orthodontic problem on the later on the second stage. The later the next step or next stage should be that it's not all about your capabilities, your expertise, being an orthodontist, being a specialist. It's not about this ke how much capable and how much expert you are. It's all about the cost benefit ratio and either whether or not this treatment should be provided to the patient or not, rather than are you capable of doing all these things or not. So quickly moving onward, so when the group of the dentist and the dentist specialist meet for discussing any kind of treatment plan, they should be talking about whether or not this treatment modality should be provided to the patient or not, rather than this discussing about this that one could be capable enough to doing this or not. So the point is this: don't be a heroic. Don't try to make some case reports. Like, don't try to do something fancy. Point is, for the treatment strategy, the patient should be a good candidate for the treatment modality, rather than showing your expertise on the patient. So moving on, we are talking about the major issues in the treatment planning. In the past, the protocol was this: when you go to the doctor see and like a father, like a father figure, they just start telling you that you need this treatment, and you just like and the patient and the parent just like a goof, they accept the treatment plan and they blame the doctor for anything, for all kind of the results. However, this is the major problem in the treatment planning. In orthodontics, we sit together. The patient and the parents, and we all sit together. मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? और hear me? जी केंद्र का मैसेज आया कि वो आवाज नहीं आ रही थी। चलो ठीक है, मैं इसको ना अभी अब मैं सबको म्यूट किया हुआ है ताकि मैं अपने फ्लो में बोलता रहूँ। डॉक्टर फरहीन, आपकी डिस्टॉर्शन काफी आ रही है। आपने चैप्टर 6 तैयार कर लिया, बच्चों का शाम का टेस्ट है। जी मैं शाम को इंशाल्लाह बना के भेजूंगी। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।
ओके हम चले थे कि व्हाट आर द मेजर इश्यूज इन द ट्रीटमेंट प्लानिंग. वन वाज द पैटर्नलिस्टिक अप्रोच ऑफ द डॉक्टर फॉर डीलिंग द प्रॉब्लम. द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इज दिस दैट वी डेवलप अ काइंड ऑफ इनफॉर्म्ड कॉन्सेप्ट आफ्टर डेवलपिंग द प्रॉब्लम लिस्ट द पेशेंट पेरेंट्स एंड द फैमिली वी ऑल्सो टुगेदर एंड डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम लिस्ट दैट यू आर हैविंग दिस 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 प्रॉब्लम एंड वी डिस्कस डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज एंड the pros and cons of each treatment modality is provided to the patient. Just introduction, I will talk about this in full detail in the coming lecture. So the next step would be the predictability and the complexity of treatment. For example, all of you are like a general dentist. For example, a patient comes to you and you start treating a complex and a difficult patient, then this is a serious error. Then this would be a serious error that you are not being capable enough to determine the basic complexity level of the treatment. So in this paragraph you are talking about this is a serious error in the treatment planning, that the first step after the diagnosis and toward the treatment planning is the development of and to comprehend and to understand the complexity of treatment, the hidden complexity of the treatment. So you have to decide that whether this patient should be referred to the specialist clinic or it should be treated under the family dental care problem. So moving on to the treatment modalities or treatment possibilities, after developing the list of the problem or the diagnosis, when we develop a treatment plan, what are the major areas we have to consider? For example, you have a situation like a 13 years male or female, and in which we have a severe overjet. So for the severe overjet, you could have different problems, possibilities. You can do growth modification, and you can do camouflage, and you can do surgery. So these are three possibilities to do the to do the treatment of the overjet. So your job is at this stage to analyze all the treatment possibilities with reference to the diagnosis. Which treatment plan is best for the patient? Many a times you go for the gray areas, and what are the different gray areas? We are going to talk about this in this lecture in the coming few minutes. So one of the major decisions we normally take in treatment planning of any case is whether to do the extraction in this particular case or to expand this case. For doing the extraction and or the non-extraction, we have to see the different variables whether or not this case is fit for extraction and not. There is no cookbook formula, and there is no set specific thing this should be done with extraction and this should be done with non-extraction. Sometimes you don't have crowding, you have zero crowding, or you have 1 millimeter crowding, and even in the absence of the crowding, you do extraction just based on the face if you are having severe proclination of the teeth. So to expand and to not expand depend upon the vertical height, depend upon the soft tissue morphology, depend upon the retrosive lip, depend upon many other variables like how much space is available for the proclinations in the anterior segment. For example, if you do not have if you are having a retrosive lip and the upper incisors are not very optimal, are not in a very optimum position with reference to the face, and you want to increase the prominence of the incisors, then definitely you're going to expand the arches rather than doing the extraction. As a general rule, there is a general rule regarding the extraction versus expansion, is this, that if we do the expansion, it will increase the prominence of the incisors. And if we do the extraction, it's common sense, it will retract the upper incisors and it will decrease the prominence of the incisors. So what you have to do for that particular patient, whether or not this prominence of the incisors would be suitable or not. For example, in a given case, if you are having a retrosive lips, what I said, the expansion will increase the prominence. For a given case, for a given crowding, let's say the crowding is 6 millimeter. For example, the crowding is 6 to 7 millimeter. So this crowding can be dealt with the expansion and can be dealt with the extraction in the extraction as well. So if you do the expansion, this will increase the prominence of the upper teeth,
this will flare up in sizes, this will increase the interpremolar width, etc. So according to the soft tissue, according to the mini static, you will have to decide that this is suitable for this patient or not. For example, we have two patients in our office, like patient A and patient B. Patient both have 6 millimeter of the crowding. Patient A and patient B both have the 6 millimeter of the crowding. One is having a retrosive lips, the other is having very retrosive lips, having lip incompetency, and the other is having very prominent incisors. If we do the expansion, you have the same crowding, you have the same intraoral condition, but we have a different, completely different extraoral situation. If we do the expansion in a patient who are having the already protrusive lip, who are having already lip incompetent lips, then this will increase the facial statics. That's the very reason that we are going to talk about it. That in order to do a good treatment planning, we are just not focusing on the hard tissue parameters like this is Cepha analysis, this is arch line discrepancy, this is the crowding, this is the amount of the crowding. You have to go to understand and to consider carefully the mini static and the macrostatics and all the minor detail which are hidden in the soft tissue, and especially the thickness of the soft tissue as well. So in the first example, I talked about the prominence of the incisors, lip incompetency. Here comes a very important variable in the parameter, which is the thickness and the fullness of the lips. So for example, for any given case, you would be having a completely different response of expansion and extraction in a thick and a thin lips. The thick lips are very forgiving. For example, if you do the proclination of the incisors and you do a little bit retroclination of the incisors, the thick lips can hide the results, and the facial results would not be very prominent. But on the other hand, if you are having a very thin lips who are very hypertonic and resting on the incisors, moving and changing the position of the incisors will be dramatically affecting on the position of the lips as well. So you also have to consider this in the static consideration. You would be looking on the soft tissue parameters, which I talked about, and you would be looking on the thickness of the lips and tonicity of the lips as well. And especially you will see, and categorically you will be seeing the lip incompetency that would be changed with the with orthodontic treatment. Moving on, we just don't look only on the mini-static and on the lip area, as the mini-static is considered with reference to the whole face. So the other part of the face are very important as well. Categorically, the nose and the chin area as well. For example, in a thick nose and a very prominent chin, if you move the incisors forward and you move the lips in a forward position, then this will improve and increase the aesthetic. For example, if you have a thick nose and you are having a thick chin, so if you move the incisors a little bit more forward with reference to the rest of the face, this would be appearing more pleasing. However, on the other hand, if you are having a thick nose and a thick chin, then moving the incisors, moving the lips backward by the retroclination of the incisors, this would have a disastrous effect on the face and on the lips. So that's my point, that before we go for treatment planning based, you would not be looking after only the hard tissue parameters and the Cepha analysis, the model analysis, and the other areas. You have to see the whole face, the nose, the morphology of the nose, the thickness of the nose, the thickness of the soft tissue of the chin, the tonicity of the lips, and the thickness of the lips as well, and especially especially the lip incompetency. So moving on, in the ideal aesthetics, the upper lip should be slightly forward from the base of the soft tissue A point. The upper lip should be slightly forward to the soft tissue of the A point, and the lower lip should be at the same point as the prominence of the chin. Okay? Or stability consideration, in doing the treatment planning, you also be looking forward on the stability. What is stability? Whatever our basic aim and objective of doing orthodontic treatment is to get the best of the statics and
to develop a good occlusion and to have a stable result. Nobody would be wanting a kind of a treatment that after doing the orthodontic, the treatment will go back into the original position. That's called the relapse. So we have the limitation of movement of teeth, and this is more important if especially in the lower arch, because you cannot dislodge in the lower arch, you cannot expand much in the lower arch, especially in the intercanine area. The lower intercanine width cannot be increased because of the corner of the mouth. The pressure and the forces on the corner of the mouth are so great that if you expand even a 1 millimeter, that is the soft tissue pressure would bring the intercanine width back to its original position. In a similar way, we have the limitation of proclination of the incisors as well. You cannot procline the lower labial segment and lower incisors more than 2 millimeter. If you increase and if you procline the lower incisors more than 2 millimeter, the lower lip pressure will sharply increase and it will go into the relapse. And however, if you have to do, you have to go for the lifetime retention. You always have to give the retention. Other than the stability, you have the, I always talked in the class, we have the limitation of the alveolar housing. You have the alveolar housing and the teeth are in the alveolar housing. What we do in the class two, you procline the low label segment to camouflage. So when you procline, you are moving the tooth out of the alveolar housing. So this, the tooth would be moving forward. So it will be like this when you will be proclining the lower incisors. So with the proclination, the teeth will be going slightly out of the alveolar housing. And if they move a little bit out of the alveolar housing, then it would be having a disastrous effect on the periodontal health of the patient. So when you plan for camouflage or the aggressive movement of the incisors, a very important variable to be considered is the amount of the soft tissue and hard tissue around the tooth. Okay, where the tooth is in the alveolus. If you are having a thin alveolus and a very thin biotype, thin gingiva, then proclination of the incisors will lead to gingival recession and the loss of the bone labial to the movement. In a similar way, as you know, when we do the mid-palatal expansion, with the expansion, there is a risk of fenestration and moving the premolars out of the alveolar housing with doing the extraction. And this risk dramatically increase when you do expansion more than 3 millimeters forward. This is a case which we're talking about. You have the lip incompetency, and when you brought the teeth back to the posterior position, the lip will start in a competent and the relaxed position, because the lips, I always say, the lips are like a curtain. So we always do extraction based on the face and based on the space. Space mean the how much the crowding is there and how much the space is required for the alignment of the teeth. And this, and as for the face, that how much is the retraction of the incisors is required with reference to the face of the patient. Here you have the limitation. You expand the lower labial segment 2 millimeter forward. You cannot go beyond the 1 to 2 millimeter. This is the stable range, that how much you can expand. The premolar can be expanded up to 2 millimeter, but this is the limitation. If you expand more, then they will come back to its original position. As per the general basic principle of the orthodontics, you never change the arch form or the shape of the lower incisors arch form, because if you change it because of the soft tissue pressure of the tongue and the lips, there will be a greater and increased chances of the relapse. So moving on, this is the general guidelines for the extraction. This is proposed by the Prophet. Less than 4 millimeter. Most of the time, the point is this, that you do not need extraction in most of the cases. However, if there is severe proclination, as is written here, if you have a severe proclination or severe vertical discrepancy, the vertical discrepancy can also be affected by the tooth extraction. If you extract the tooth more posteriorly, for example, if you are having an open bite and the posterior teeth are touching to each other at the level of the seventh,
second molars. So extraction of the 6 or extraction of the 7 would have a like a wedge type of effect, and it may affect the vertical proportion. Sometimes you have to do the extraction for the midline where you don't have the crowding. So in the rare instances, you have to do extraction for vertical, for severe proclinations, for some midline where you have less than 4 mm of crowding. However, as per the general rule, in the most of the cases, you can treat a case very confidently and very surely where you have around 4 mm of the crowding without doing any extraction. The 4 mm of crowding arch line discrepancy can be managed on a non-extraction basis. However, if you have having moderate level of crowding, the moderate level of crowding is from 5 mm to 9 mm, and this level extent of the crowding can be managed in both ways, by the extraction of the teeth and without the extraction of the teeth by the expansion. However, you make this decision of doing the extraction versus non-extraction based on the soft tissue parameters and soft tissue finding. And these soft tissue parameters are the thickness and thickness on the lips, tonicity of the lips, the nose morphology, the prominence of the nose, the protrusion of the nose, the morphology of the chin, the soft tissue thickness of the chin, the amount of the buccal corridors, because if you expand, the buccal corridors reduce and you would be having a pleasing smile if you are having a large buccal corridor. So these decisions regarding what you would be doing if you are having a 5 to 9 mm of the crowding, this decision depend upon the soft tissue parameters and sometimes the hard tissue parameters as well. Hard tissue parameters, how much the teeth are proclined or retroclined in the alveolar housing. In a similar way, if you are having a very protrusive upper and lower incisors and you are having a 5 mm of crowding, definitely this treatment has to be done with the extraction, because the 5 mm the crowding is to be relieved. The other is you have to bring the teeth backward in order to bring it back into the proper position in the alveolar housing, okay, or to bring them in a normal inclination for the long-term health from the periodontal point of view and as well as from the aesthetic point of view as well. But if you are having more than 10 mm of the crowding, this 10 mm of the crowding is like a for sure case for the extraction, because if we do a 2 premolar extraction in any arch, you would get around 14 mm of the space. And if the crowding is around 10 mm or more than 10 mm, then the 14 mm of the space that you will be gained by the extraction of the two premolar is 10 mm will be gone in the relief of the crowding. So you would be having 2 mm per quadrant, 2 mm on the left side, 2 mm on the right side for the management of the other thing. Definitely you cannot do any significant changes in the face with the 2 mm. Okay, so the point is this, that with if you are having 10 millimeter of the crowding or more, then the effect of the extraction on the face would be negligible, and it's not going to produce any kind of the results on this. However, the second premolar and the molar extraction is rarely satisfactory, because they are so much away from the crowding area. As per the general rule, we have discussed in the class as well, because the extraction should be performed as close as possible to the concerned area. For example, if you are having crowding in the low labial segment, then definitely you will be extracting the lower first premolar, the more closer to the concerned area. For example, the crowding is in the anterior zone, you will be extracting teeth in the anterior zone. If you are having so much proclination of the upper and lower teeth and you want and your objective is the retraction and of the proclined teeth, so obviously you would be extracting more closer to the anterior zone, and their extraction choice would be in the mid arch, like I mean the premolars. So in most of the time, premolars, like first premolars, are extracted if the space is required interiorly, and if the minimal space is required in this in the interior zone, then your choice would be second premolar. For the second premolar is normally used if you have a posterior crowding, and posterior crowding means the premolar are crowding and the molar are not in a proper position, just because of the mesial shift of the molar. So if you are having, we are just talking about what are the different contemporary guidelines for the alignments. Okay? For example, if you are having dental protrusion plus crowding, as we discussed here, okay, if you are having dental protrusion and crowding, so you do extraction for space and you do extraction for the face. So space mean you need extraction space for the relief of the crowding. As you do extraction and you relieve all the crowding, okay, then
the next question would be the remaining space would be available for the correction of the dentovelvular protrusion. If you are having 10 millimeter of crowding, then the 14 millimeter of space that you will be gained from the extraction of the premolar, 10 millimeter would be gone for the relief of the crowding, and the 4 millimeter would be available for the correction of the dental protrusion. So you cannot do a significant effect on the lips or on the face or on the dental protrusion with the rest of the crowding. So as per the general rule, how much overjet you can reduce by the space. For this, you don't need to be a doctor or orthodontist. You just need to be a good mathematician to decide this. For example, you have an arch form like this. Okay, for the retraction of 1 millimeter, for example, you have to reduce reduce the overjet by 1 millimeter. So for the 1 millimeter, you need 1 millimeter space here, and you need 1 millimeter of space here. So its mean is this, that for the 1 millimeter retraction of the incisors, you basically need 1 millimeter on the left side and 1 millimeter on the right side. So for 1 millimeter of overjet reduction by the retraction of the incisors, you need 2 millimeter of this space. 2 millimeter space is required for the 1 millimeter retraction of the anterior segment. So if you need to, for example, if I ask you how much space is required for the overjet correction of 6 millimeter. So for the overjet correction of 6 millimeter, the normal overjet is 2 millimeter. So my objective would be from 6 millimeter, I want to bring my incisors up to 2 millimeters. So I need to reduce the overjet by 4 millimeter. For the 4 millimeter of overjet correction, I need 8 millimeter of the space. It's clear. So moving on, as a general rule, the rule is this, that if the lip are incompetent and the lip are very responsive to the incisor position, normally the incisors, if the incisors move 3 millimeter, the two-third of the lips will move two-third of whatever the incisors have been retracted. For example, with the 3 millimeter of the retraction of the incisors, you will be having a response of 2 millimeter on the lips. Okay. So moving on, this is just a generalized point. This rule is not applicable everywhere. For example, the very important variables are the thickness and thinness and tonicity of the lips, as well as the competency of the lips. For example, if the lips are thick and competent to each other, and the lips are touching to each other, if you retract the incisors, the response will be completely different as compared to the patient who are having lip incompetency and thin and hypotonic lips. That's the point. However, if I just give the contemporary guidelines, as per the latest evidence of the 21st surgery, there are so many studies carried on the effect of the extraction on the aesthetics and on the face. So the result of the latest study, the effect of the extraction are minimal, in one word. However, there are definitive impact of extraction on the aesthetics. But the conclusion is the results and the impact of the extraction on the facial aesthetic are minimal. However, there are so many variables that are affecting on the response of the soft tissue by the reduction of the incisors. As a general set guidelines, the more you expand without moving the incisors, the more aesthetic you will, the more satisfactory you can treat a patient. The more you expand without moving the incisors forward, the more satisfy your patient, because this will broaden the smile, and this broadened welcoming smile will be more pleasing. The more you close the extraction spaces without the over retraction of the incisors. This is not a general rule. This cannot be applied on every face. For example, what I'm saying, closing extraction space will make the teeth more stable. For example, if the patient is already having retracted and retrusive upper lip and retrusive upper incisors, so doing the extraction in this case will not be suitable. Okay, but in a similar way, if the patient is having incompetent lips and very protrusive upper and lower incisors, doing the extraction, doing the expansion, and will not produce satisfactory result. Okay, so but as per general rule, if everything is equal, the more you expand,
the more you broaden the arch, and the broadened arch are in a general population, not in the rare cases of patients who are already having prominent incisors. As a, in a general patient, in the general population, the more expansion, you develop more broadened and the welcoming smile, and it's more appealing and acceptable. You do extraction. With the extraction, you retract the incisors, you decrease the prominence of the incisors, and with the decrease of the incisors, you will end up with the more stable results. However, you know, excessive expansion increase the risk of the mucogingival problem, because you are pushing the teeth out of the alveolar housing. So that's why the possibility of the mucogingival problem increased when you did the expansion. For the masticatory function and the functional point of view, the expansion extraction doesn't make a strong impact. So moving on to the next topic, the skeletal problem. In the skeletal problems, when you are doing the treatment planning, you do consider the whole face. The assessment of the whole face, the assessment of the different proportion of the face is concerned with the macrostatics. So if you are having a retrosive chin or a severe class 2 skeletal basis and soft tissue profile, you may treat this case with the growth modification. If the patient is growing and if the problem is mild, the skeletal disharmony is mild, and this can be treated with the orthodontic camouflage. However, if the retrognathia of the chin is extreme and so much, then you would do the same correction of the macrostatic. Correction of the macrostatic means, for example, what's in my mind, that if you are having a very retrosive chin and very retrosive mandible, so you are basically correcting the macrostatic by developing the proportionate face. Okay, so the orthodontic camouflage, what is the understanding of the camouflage? Camouflage is basically hiding anything. For example, you are having a skeletal dysplasia and skeletal disharmony by, for example, like what I say, class 2 skeletal basis, you are having a retrosive mandible and a retrosive mandible and having class 2. So how you can hide the class 2 profile and class 2 skeletal basis? By the retraction of the upper teeth and by the proclination of the lower teeth. So this how you can retract the upper lip, and you can protrude and move forward the lower lip to some extent. So this how you will be camouflaging the class 2 profile. So that's why the word is called the camouflage. So in the camouflage, you basically increase the dento-alveolar compensations. Okay, so however, the latest and the current, in the current practice, you discuss all the treatment options. Like, okay, you would be discussing the option of the camouflage to the patient, and if this is a borderline situation, then the both the treatment plan and pros and cons of each plan is explained to the patient and the parents and to the family as well. And it is basically the family and the patient who will decide the exact the treatment plan which is most suitable for the patient. In a similar way, what I said, in a class 2 patient, you will be retracting the upper incisors to retract the upper lip and protrude the lower labial segment of the teeth to protrude the lower lip. So this how you will be doing the camouflage. However, in the class 3 skeletal basis, you will not be retracting a lot lower labial segment backward. Class 3 mein camouflage kya tha ki hum lower labial segment ko retrocline karenge, lekin retrocline karne ke sath sath jo hai na wo chin prominent hote ja rahi hai. To jab hum isko treatment plan kar rahe honge, to class 3 mein aapne ye cheez bahut maddenazar rakhni hai ki चिन की पोजीशन जो है वो कैमोफ्लाज करते हुए आप ओवर रिट्रैक्शन वो तो नहीं करने जा रहे हैं जिसके साथ उसके चिन ज्यादा प्रोमिनेंट होते जा रही है. सर्जरी पे आते हैं. सर्जरी हम कब कैसे करते हैं? फाइनल ईयर या अंडरग्रेड लेवल पे ही होना चाहिए कि जहां पर बिल्कुल एक्सट्रीम स्केलेटल डिसहार्मनी है, फेस बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट है, मैक्रोस्टैटिक के मसले बहुत ज्यादा हैं, मैक्सिला बहुत आगे है पीछे है, मैंडिबल आगे पीछे है, या एक्सट्रीम लो एंगल और हाई एंगल, बिल्कुल
आपके लेवल में क्या चीज है कि एक्सट्रीम हाई एंगल, एक्सट्रीम लो एंगल पेशेंट, एक्सट्रीम डिस्प्लेजिया ऑफ द स्केलेटल बेसिस इन द सैजिटल प्लेन, दीज आर बेसिकली द कैंडिडेट फॉर द सर्जरी. दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर, हाउएवर द डिसीजन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. The other variables are the amount of the crowding. For example, the amount, as I talked about, if all the space is being utilized for the correction of the crowding and for getting the aligned arches, then you will not be able to use any remnant space after the alignment of the arches to use these spaces for the correction of the overjet or for using this space for developing any better effect on the face. So that's why the rest of the, if you are having severe crowding and you have to do the if you try to do the camouflage, then you cannot do this because all the space will be used for the correction of the crowding. So that's why it's more inclined toward a surgical patient. So in the surgery, when you discuss the treatment option of the surgery while doing the treatment planning, what is the latest and the current practice that you morph or change the picture and you show the outcome and the results of the changed aesthetic to the patient, that how you will look after doing the surgery. And moving on, we have different kind of surgery who are filling up the bag, like mean ke if you are moving the mandible forward and if you are moving the maxilla forward in a more forward position, this is like a filling up the bag because the soft tissue will be more tightened by any kind of advancement surgeries. In a similar way, if you are doing the mandibular setback, then you will develop a double chin and the soft tissues would sag by the mandibular setback. However, with the mandibular advancement, this soft tissue will be tightened up and you will be having a more pleasing soft tissue. The platysma and the chin, soft tissue chin would be more positively affected by the advancement surgeries, and they are negatively impacted by the sagging and the aging effect by the setback surgery, mandibular setback, maxillary setback, and as well as maxillary impaction. If you are moving the moving the maxilla up, then the mandible will auto rotate, and with the moving of maxilla in the upward and superior position, the upper, the middle part of the face would get sag up. In a similar way, there is a surgery which is called genioplasty. You're quite aware of this, and this is also adding up the volume of the facial appearance and as well as stability. How stability? I would like to explain. For example, these are the position of the lower incisors, and the lower incisors position is determined by the soft tissue, and this is the lip, okay, and the lip is tightened and attached with so many bones around it, okay. So if you cut the chin and move the chin in a forward position, then the lip would be more relaxed because the areas and the point where the lips, few of the muscles of the lips are attached to the bone has itself moved in a forward position. So this will pretty much relax or decrease the pressure of the lower lip on the lower labial segment of the teeth. So if you procline the lower labial segment in a bit forward position in a patient where we're going to do the genioplasty in the forward, in the advancement genioplasty, then you would be getting a more stable result as compared to the patient in which you are not doing the genioplasty and the advancement genioplasty. Along with the severe orthognathic surgery, you also have to consider and plan few of the cosmetic procedures as well. And these cosmetic procedures are rhinoplasty. Rhinoplasty is the touch-up surgery of the nose in which the nose morphology is corrected. If this if there is very prominent dorsum and you are having hump and you are having distorted nose or deflected nasal septum, this all can be corrected with the rhinoplasty. In a similar way, if you are having a paranasal deficiency, paranasal around the nose, if you are the area are deficient, then the latest silicone implants available, and these silicone implants can be used for adding up the volume for these are the different cosmetic surgery. In these cosmetic surgery, you do the modification of the
of the soft tissue by rhinoplasty or by filling up the by some addition of the silicone implants over the paranasal area instead of doing the orthognathic surgery. So moving on to the next topic, with the growth modification. With the growth modification can be done in obviously in a growing patient. So that's the very important area where you have to be very vigilant about assessment of the growth status of any patient. So the growth modification can be done in three plane spaces by the expansion in the transverse plane, by using the hypohidrotic in the vertical plane, and the same headgear can be used in a downward direction with some different techniques. This can increase the vertical as well. And you all aware of the mandibular advancement, face masks, chin cup, and so many appliances that can change and affect on the macrostatic of the patient, and they can change the skeletal pattern of the patient if the patient provides the patient is growing and the provided the patient is in the growth spurt. So we can do the growth modification by the restraint of the excessive growth and by the stimulation of the favorable growth. So moving on, another area, another important area to consider is the mini aesthetics. The mini aesthetics is basically all about the smile and the position of the incisors with reference to the best of the aesthetics for getting the best of the smile. So in the smile, what you have to consider in the vertical plane and the transverse plane and the smile arc. In the vertical plane, what I'm talking about, in the vertical plane, you are having the incisors like this. And what is the relation of the incisors with reference to the lip? For example, if I'm, this is the lip. So where ideally we have to position the upper incisors with reference to the upper lip, we have to plan this, and this should be the part of our treatment planning. So for the vertical proportion, you will plan in a way that in the end of the treatment, you would be having a kind of the smile in which on the smile, the patient should be able to show more than 75%. I'm saying more than 75% of the central incisors or incisors display should be up to the maximum, or even it should be a slight gum for the youthful and for the wonderful smile. What is written over there, the display should be more than 75, or display should be more than 85%. If it is less than that, then it's like a problem, and this should be the part of your treatment plan to develop a kind of the incisor relationship with reference to the upper lip that on the smile of the patient. And this you would be doing in your treatment, not only at the level of the treatment planning, but also when you are executing treatment mechanics and near the terminal stages or the finishing stages of the treatment. So what we can do, you can have different kind of situation in which you are having an excessive incisors display on a smile and on the speech. So the excessive smile display can be treated by the intrusion of the teeth. And if you are having an inadequate incisor display of the teeth on the smile and on the rest position, then you have to elongate the upper incisors to improve the smile and to move and to make the patient look younger. So how you can increase the upper incisors, how you can do by the extrusion of the incisors. One way, by if you are extruding the upper incisors, how you can do extrude, you can use like box elastics. Box elastics are like elastics which are given in the upper, the box elastics are given in the for example, if this the box elastics are given from the upper incisors to the lower incisors in the form of the box, okay? Or the class 2 elastic can be given, which class 2 elastic, you're quite aware of this, to form the upper lateral incisors to the lower six in a triangle form. And this is the intra-arch elastic. This box elastic and the class 2 elastic are inter-arch elastics. And these inter-arch elastics can do the change in the inclination or the orientation of the occlusal plane. For example, how this class 2 elastic would be acting, this will be extruding the upper incisors, and this would be extruding the upper incisors in a similar way. If these are the upper incisors and you is using the box elastics, then these blocks box elastics can vertically extrude the upper incisors and can increase the upper incisors display on the smile. However, you can do the same task by the help of the orthognathic surgery. What do orthognathic surgery do? You cut the upper part of the maxilla, the premaxilla, and just move it more downward position. So that would increase the upper incisors show on the smile, and as well as you can do with some intra-arch mechanics. Intra-arch mein aap kaise kar lenge? If you have a wire, to wo wire ke saath aap bend de lenge, from your knowledge of the fixed appliances, ke wire mein is tarah se bend aa raha hai, aur upper incisors mein jo
intra arch means you, the mechanics do not involve the other arch. So by some extrusive bend in the wire, in the arch wire, with some extrusive bend in the arch wire, you would be extruding the incisors. Okay. I will answer all the question at the end of the session. Please hold your question. I will answer all the question at the end of the session. So if you are having in the opposite situation, if you are having a gummy smile and there is excessive display of the incisor on the smile, so you have different options to decrease the increase incisor show or to decrease the gum show. How you can do, if the patient is growing, you would be using some kind of the appliances that can hold the downward growth of the maxilla. You would be using definitely hypal headgear or kind of the functional appliances that would be having great increased thickness of the bite block, that would be having the intrusive effect, and that engage the anterior teeth as well. However, if you are having the growth phase is over, so after the growth phase you can do, if there is increased gum show, then you would be doing the intrusion of the incisors with or without implant. With implant ke saath kya hai, you would be placing some mini screws, you're quite aware of the mini screws, in the aesthetic zone in between the 2 and 3, as much apical as possible near the apices, and you will attach some attachment from the tads to the arch wire, and this will intrude the upper segment. However, a little bit of minor intrusion can be done with the arch wire with some intrusive bend. Let me show them intrusive. For example, this is the arch wire, and you make some intrusive bend over the incisor that you want to intrude. So this would can achieve some intrusion of the incisor, gaining the anchorage from the adjacent teeth. So you can do the intrusion by TAD or without TAD by some by the arch wire. However, the orthognathic surgery can also be used for moving the maxilla up. So this is the consideration of the treatment planning with reference to the mini static in the vertical plane. What I talked about, in the vertical plane, you would be having more than 75% of the incisors show on the smile. This is the minimum criteria. Then the incisor show must be more than 75%. In the vertical plane, you would be having, you may have excessive display of the incisors and you may have some gummy smile, and this gummy smile can be treated with the surgery, orthognathic surgery, that would move the upper part of the premaxilla in the upper direction, and you may use some mechanics that may or may not involve TADs. Okay, so if you are having a decreased incisor show on the smile, that these incisor show can be increased by box elastic, can be increased by class 2 elastic, can be increased by intra arch extrusive bend in the arch wire, and can be increased by the orthognathic surgery that is bringing the anterior part of the premaxilla in a more downward position by Lefort osteotomy and many other surgical techniques as well. In the transverse dimension, we talked about what is written in this paragraph. I'm just focusing on what is written over this chapter. It's a brief, it's a quick review of the chapter. In the transverse dimension, you would be having like buccal corridors. What is buccal corridor? Buccal corridor is basically the gap between the inner corner of the mouth and between the last standing premolar, or between the teeth. In a simple word, the definition is completely different books. In some books, it says from first premolar, from says from second premolar, from the teeth, from the dental arch to the inner corner of the mouth, the space which is visible in the smile is called the buccal corridors. So these buccal corridors should be considered carefully when you are doing the analysis of the facial extraoral analysis of the face, and this can be an important variable when doing the treatment planning, because you need to expand the arch. For example, if you are having a borderline situation between the 5 to 9 mm of the crowding, so the expansion of the arch would be having a very pleasing effect, because the buccal corridors would decrease with the expansion of the arches. Okay, so if you do extraction in the patient who are having the buccal corridors will increase by the extractions. So this should be the part of the treatment plan, and you should, when you are considering and the buccal corridors, an important area is the age, because you can do the skeletal expansion
or the rapid expansion if the age is appropriate for the rapid expansion. However, after the maturation or the pubertal growth spurt, you just do the dental expansion. And when you plan the dental expansion, you always be considering the inclination of the teeth. For example, if the teeth in which the teeth are already very flared laterally, these are not the good candidate for the dental expansion. The other area of treatment planning is the smile arc. What's the smile arc? You're quite aware of this. The smile arc is the relation of the upper incisor edges with reference to the lower lip. Okay, so what should be the ideal relationship? In the ideal smile, there should be a consonant smile. In the consonant smile, you would be having a situation where the upper incisors are touching to the, these are the, for example, if these are the upper incisors, these upper incisors should be at the level of the upper margin of the lower lip. Okay. The upper margin of the lower lip and the incisor edges of the upper incisors should be coinciding and should be at the same level. So what you have to do in the treatment planning, for example, you can very easily escape and miss the development of the consonant smile if you are so much concerned for the mechanics and for the, for example, I just give you an example. For example, if you have a situation of overbite. You have overbite, and if you start intruding the upper incisors, then upper incisors would move more apically. And the more they are moving apically, the more they are moving away from the upper margin of the lower lip, and you are affecting the smile. So what you have to do in the treatment planning, you have to plan the position of the bracket in such a way that the upper incisor should extrude and the upper incisor should come at the level of the upper margin of lower lip. Okay, so what you can do something with the extrusive band as well, and you have to be very careful while doing the in the mechanics. Moving on, the smile symmetry in the symmetrical smile, because of the time factor, I will go quickly more faster now. In the smile symmetry, you have to have a symmetrical smile. You should be having a patient at the end of the treatment that we should be showing the symmetrical smile. The smile can be asymmetric by a different situation. If you are having different, more eruption of the teeth on some side and you are having a less eruption of the teeth, then the smile would look asymmetrical. Then this symmetry of the smile should be assessed at the start of the treatment, and it should be a part of the treatment planning. Treatment planning means what would be your strategy to address this problem. So to address this problem, you have to accurately diagnose what exactly is the cause of smile asymmetry. So there could be a different causes of the smile asymmetry. For example, if you have inflamed gum. So if the gums are inflamed on the left side, or you would be having like asymmetric smile, you would have a situation like there is hypermobility of the lips and asymmetric elevation of the lips. So with the asymmetric elevation of the lips, the teeth and the gums are not at fault. The fault is in the lips that you, as an orthodontist, as a general dentist, you cannot treat. You are supposed to not to treat the lips. However, if you are using with Botox injection, however, if you are not able to control your lips, then this should be a part of your diagnosis and should be appropriately communicated to the patient that you have this problem and we cannot treat this problem of asymmetric elevation of the lips. You could have more eruption of teeth on one side. You could have differential crown height. You would be having some crown height would be different on one side and crown height would be different on the other side. That could lead to development of asymmetric smiles. And you could have an asymmetric gingival contour by the inflammation of the gums on one side and not having the inflammation on the other side. What is the microcytic? Microcytic is all about the proportion relationship of any teeth, any tooth particular, uski height fits ki ratio ke saath, uski adjacent teeth ki ratio ke saath, uski gum ke pink static, white static, so usme aate hain. And what we do the reshaping of the teeth. Reshaping kab hota hai? For example, ko trauma hua, incisor edges toote hue, to aapne bracket bonding ki jisme ke wo usko extrude karke uske zara se level pe le aaye, ya aapne uske edges ko thoda sa grind kiya, usko level kar liya. Agar trauma hai, asymmetric margins hai, to usko aap reshaping karke thoda sa adjust kar sakte hain. Changing tooth proportion hame normally karne padti hai jab hum substitution ke case pe jaate hain. Substitution kya hota hai ki agar lateral incisor congenita
tail missing है, protrusive upper incisors, upper lip है, and your plan is to replace the lateral incisor with the canine. Okay, substitution का मतलब क्या है कि you substitute the lateral incisor with the canine. So obviously for the microsthetic, microsthetic is all about the very minor assessment of the smile. very minor details of the static, and where the minor details lies in the ratio of the tooth with reference to the height and width, with reference to the adjacent teeth. And as you are quite aware of the golden proportions, that the apparent width of the lateral incisor should be 62% of the central incisor. This is the apparent width of the lateral incisor. So in order to develop a golden proportion, you have to grind the teeth, obviously from mesodistally and occlusally, because to mimic the morphology of the lateral incisor, you definitely have to grind from the occlusally, and to and this all grinding of the enamel from all the sides will change the coloration of the teeth, because color is more dependent on the dentine. So if the enamel is more reduced, then the more darker tooth would be apparent with after having so much grounding. So that's why you sometimes have to do the buildup and the ceramic laminate over the tooth. So normally we do the canine substitution if you are having class 2 skeletal bases, protrusive upper lip, proclined upper incisors, or where the canine has erupted more closer to the arch, and obviously in the crowded arch. Why in the crowded arch? If you are having crowding, then definitely you will not extract premolar and bring the canine in a normal position and replace the lateral incisor with the dental implant. This is like something foolish. If you are having crowding, then simply you will close, you will use all the space of lateral incisor by the substitution of the canine, by bringing it forward into the lateral incisor position, or allowing and favoring it, the eruption of the canine into that lateral incisor space. So the crowding can be relieved with the substitution of the canine. So however, if the implant has to be placed by one way or other, or if you are having like a situation where you definitely have to give the implant should be given up in the late teens and when the vertical growth is over. We are discussing the microsthetic. You're quite aware of what is microsthetic, correcting the black triangle. What would be your plan for correcting black triangle? First, we all know what are basically the causes of the black triangle. If the gums are is at fault, for example, black triangle is, you are having the incisors like the, sorry. If you are having incisors like this, this is the morphology, and this is the morphology, and this space between the teeth is called black triangle. This is more often because of the morphology of the incisors. Morphology, for example, in the triangular shaped teeth, no matter how much you bring the incisors close to each other, they would start touching each other, and you will not be able to close this space. What you have to do, you definitely have to remove the enamel. So to bring in the parallel side of the mesial area, and to increase the connector, technically speaking. I'm sure you will be quite aware of what are connectors. So the black triangle can be treated by the periodontal surgeries, that would be filling the papilla, or orthodontists do with some reshaping of the teeth. When you reshape the teeth, you should consider not only the black triangle, but you should be considering the height to width ratio and the ratio of the central incisor with respect to the adjacent teeth. You cannot go blindly for the correction of the black triangles. You have to follow the height width ratio, which is 80%, and you have to follow the golden proportion, which are the ratio of the apparent width of the lateral incisor and the canine as well. There has to be the next is the interaction between the orthodontist and the restorative dentist. For example, if you have to involve and engage the restorative dentist, then how you will be engaging to each other, and what we are discussing, we are basically discussing the different treatment planning stages. For example, aapke case mein kisi bhi jagah par kahin par bhi aapka interaction aise rehta hai, aur aap plan ye karte hain ki restorative work jo hai usme aayega, to how you would be interacting with the
रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट, आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल आपने प्लान किया है कि लैटरल इंसाइजर के ऊपर जो है वो बिल्डअप होना, तो आप ऑर्थोडोंटिक के क्या करेंगे, उसको इंक्लूड कर देंगे ताकि इंसाइजर एजेस पे कटिंग कम से कम की जाए। ऑर्थो के साथ आप उसके क्लोजल कटिंग को तो बता सकते हैं ना, या अगर पेग लेटरल या कुछ तरीके से है तो आपने अच्छे तरीके से उसकी स्थेटिक्स डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं, ओपन क्वाई स्प्रिंग देके केनाइन और उसको साइड पे कर दिया, अच्छी खासी स्पेस बना दी ताकि रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट जो है वो सुकून से आराम से लेटरल साइज को बिल्डअप करे और उसको प्रॉक्सिमल साइड्स से अच्छी तरह काम करने के लिए जगह मिल जाए, उसको हिंड्रेंस या इंटरफेरेंस ना आए, केनाइन और सेंट्रल साइजेस से वो अच्छे तरीके से डेवलप करे और बाद में रिमेनिंग स्टेप स्टेप्स को जो स्पेस को क्लोज कर दे। दो इसके तरीके क्विकली इसको डिस्कस करते हैं। एक तो ये है कि अगर आप रेस्टोरेटिव वर्क, सिरेमिक लैमिनेट्स या कुछ वनीयर्स वगैरह प्लान करने हैं, तो ऑर्थोडॉन्टिस्ट क्या करेगा, वो इंसाइजेस की पोजीशन को इस तरीके से प्लान करके छोड़ेगा कि जहां पर जो है वो मिनिमल कटिंग के साथ काम हो सके। इंट्रैक्ट कैसे करेंगे, सारे ब्रेसेस रिमूव कर दिए, वैक्यूम फॉर्म रिटेनर का जो 3 डायमेंशनल में इसको कंट्रोल करेगा उसका रिटेनर बनाएंगे और पेशेंट को सेट ऑफ रिटेनर पहना कर रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट के क्लिनिक पर रवाना कर देंगे। इसका फायदा क्या होगा कि जितने इन्फ्लेम गम है वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे, आपको अपॉइंटमेंट के लिए बहुत जल्दी नहीं है, ये नहीं कि रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट से उसी दिन या आज के दिन ही अपॉइंटमेंट कर दें, आप हफ्ते 10 दिन 20 दिन के बाद अपॉइंटमेंट ले लें क्योंकि रिटेनर तो वो लगा रहा है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि जब आपका रेस्टोरेटिव वर्क कंप्लीट हो जाएगा देन यू हैव टू मेक अनदर सेट ऑफ द रिटेनर्स। वन सेकेंड सिचुएशन में क्या था कि अगर तो आपने जो है वो लैटरल साइजर का बिल्डअप करना है, लैमिनेट्स वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, लैमिनेट रिक्वायर्ड नहीं है, तो अच्छे बिल्डअप के लिए जरूरी क्या है कि मेजर डिस्टल एरिया पे अच्छे तरीके से काम कर सके। यू एंड ऑर्थोडॉन्टिस्ट यू विल क्रिएट अ एम्पल अमाउंट ऑफ द स्पेस, यू विल रिमूव द ब्रैकेट एंड इमीडिएटली सेंड द पेशेंट टू द ऑर्थोडॉन्टिस्ट टू द रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट, ही विल डू द बिल्डअप, द पेशेंट विल कम बैक टू यू and there is no involvement of any retainer and you will put the bracket back on the on the build up tooth or you close the remaining space. So this is how you would be interacting. If you are having a reshaping of the contour, with the reshaping of the contour you can use the latest two laser. One is the carbon dioxide laser, the other one is the erbium yag laser. दो लेजर्स के नाम इसमें लिखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एरबियम डार्क। और इनका फायदा क्या होता है, दो इसके फायदे हैं। एक तो ये है कि ये सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू को कट करता है, देयर इज नो रिस्क ऑफ द डैमेज टू द टीथ एंड द एल्वियोलर बोन, एल्वियोलर बोन और टीथ इसमें डैमेज नहीं होंगे। दूसरा क्या है कि ब्लीडिंग नहीं होगी, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग है, लेजर एडवांसमेंट है उसकी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग के क्या स्टेप्स होंगे, स्टेप्स ये होंगे कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम लिस्ट बनाई, उसको प्रायोरिटाइज किया, प्रायोरिटाइज में पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम जो गम और केरीज से वजह से उसको सबसे पहले ट्रीट किया, जो एक्सट्रैक्शन होनी थी, जो जो कि मैंडेटरी ट्रीटमेंट है, जो कि आप लेट नहीं कर सकते, उसको सबसे पहले एड्रेस किया। उसके बाद आपने कहा कि जो प्रॉब्लम लिस्ट बनी, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी आपकी प्रॉब्लम लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पेशेंट की बात करते हैं तो उसका वर्टिकल ज्यादा है, ये आपकी प्रॉब्लम है, जो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्रमन प्रॉफिट से पढ़ा था कि 5 एरियाज में आपने मेलिक्लुजन को डिवाइड किया था, वर्टिकल प्लेन, सेजिटल ट्रांसवर्स प्लेन वगैरह में, तो हर प्लेन या हर प्रॉब्लम के लिए आपने एक ही प्लान बनाया। फॉर एग्जाम्पल इसका वर्टिकल ज्यादा है, ग्रोइंग पेशेंट है, आपने कहा आपके हाई पुल घट गया लगाएंगे। पेशेंट का मैंडिबुलर डेफिशिएंट है उसमें, तो आपने कहा कि इस वर्टिकल मैंडिबुलर डेफिशिएंसी के लिए आपको उसको ट्विन ब्लॉक देंगे। इस पेशेंट में जो है वो लेट्स से कि जी क्राउडेड क्राउडिंग जो है वो 10 मिलीमीटर से ज्यादा है, तो फॉर क्राउडिंग के लिए आप अपर 4-4 की एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो आप प्रॉब्लम्स को किसी कैटेगराइज किया डायग्नोसिस में, जो उसका डायग्नोसिस में जो उसकी मेजर एरियाज जो थे वो एक्रमन प्रॉफिट को ही यूज करते हुए आपने वो सारे लिख लिया, उसके अकॉर्डिंगली हर एक का प्लान बनाया। अब वो प्लान आपस में इंटरेक्ट करता चला जाएगा, दिस इज ऑल रिटन व्हाट इज इन दिस। और ये सारा करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, उसकी पेरिडोंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा कंसीडर या इंपॉर्टेंस उसे देनी है, ना सिर्फ अगर कोई एक्टिव डिजीज या एक्टिव प्रॉब्लम है तो वो उस एक्टिव प्रॉब्लम को हम खत्म करेंगे, अगर आपने उसको खत्म नहीं किया तो वो एक्सेलरेट कर जाएगी और वो कंप्लीट डिजास्टर्स होगा, क्योंकि इंजाइवल इन्फ्लेमेशन या पेरिडोंटाइटिस की प्रेजेंस में कुटुत मूव करने के साथ तो सारी बोन लॉस हो जाती है। दूसरा क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ द इवन इन द एब्सेंस ऑफ द सिग्निफिकेंस आपने पेरिडोंटल असेसमेंट इसलिए की क्योंकि आपने प्रोक्लिनेशन, रेट्रोक्लिनेशन, एक्सपेंशन, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही फेनेस्ट्रेशन और डिहेसेंस मिल रही है, थिन गम्स हैं, वो है, गम की कंडीशन काफी खराब है, तो यू विल डेफिनेटली नॉट बी प्लानिंग एक्सपेंशन एंड द प्रोक्लिनेशन ऑफ द टीथ बिकॉज दिस विल बी अफेक्टिंग एंड इम्पेयर्ड द स्माइल्स। सो व्हाट यू डू इन द प्रायोरिटाइजिंग द लिस्ट, यू विल बी मेक द लिस्ट इन सच अ वे दैट
pathological problem should be considered first. The second stage is you would be having interaction with the patient and with the family, and you will hear to the patient to an extent that you should be able to know what is the chief complaint of the patient. जो लोग जो मेरे student उनको सबसे पता है मेरा पहला सवाल होता है what is your concern? आप कैसे आप तशरीफ लाए, आपका क्या कंसर्न है, आपका क्या ख्याल है, व्हाट इज योर व्यूज अबाउट योर अपर लिप, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट योर टीथ. कि हियर द पेशेंट, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया है प्रोट्रूडिंग चिन के साथ, उसका मसला चीफ कंप्लेंट जो है वो चिन है, और आप उसकी क्लास 3 ऑक्लूजन ठीक करना शुरू कर देते हैं, चिन एड्रेस ही नहीं हुई. फॉर एग्जाम्पल देखो एक कैमोफ्लाज वर्सेस सर्जरी का पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आया, मेरा पहला सवाल जो उनसे होता है कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट योर चिन, आपका अपने चेहरे से क्या सेटिस्फाइड है. अगर मरीज का आंसर जो है वो बिल्कुल ये है कि जी मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, अगला सवाल है कि क्या आप अपने चेहरे में कुछ चेंज लाना पसंद करेंगे. अगर उसका आंसर नो है, कम्प्लीटली सेटिस्फाई है, और मैं उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लान बना के बैठा हुआ हूँ, तो वो ऑब्वियसली उस तरफ नहीं जाएगा. इसी तरह अगर किसी पेशेंट की चीफ कंप्लेंट ही प्रोटीन चिन चेन है और मैं उसके ऑक्लूजन को क्लास 1 में लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो उसको एड्रेस नहीं कर रहा है, एंड दिस विल लीड टू द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द पेशेंट. अच्छा, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जो पेशेंट के साथ डॉक्टर का एग्री होना जरूरी है या नहीं, डॉक्टर पेशेंट की चीफ कंप्लेंट से एग्री करे या नहीं ये मैटर नहीं करता, पर डॉक्टर का काम क्या है कि उसको सही एजुकेट करे. फॉर एग्जांपल मैं मिसाल ये देता हूँ कि मेरे पास एक मरीज आया और उसको प्रॉब्लम है प्रोट्रूडिंग चेन के साथ और सीवियर उसको जिंजिवाइटिस है, तो मैं उसकी बात सुनूंगा तो सही, उसको प्रायोरिटाइज भी करूंगा, उसको अपनी कंसिडरेशन में भी रखूंगा. कहने का मतलब यह है कि ट्रीटमेंट प्लान जब आप बना रहे होंगे तो आप उसको प्लान या उसके कंसिडरेशन में ये जरूर बहुत एक बहुत प्रोमिनेंट एरिया रखेंगे कि व्हाट इज द चीफ कंप्लेंट. चीफ कंप्लेंट बहुत ऊपर आ रही होती है, बहुत वाजे लिखी होती है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सारी इस कफल में आप चीफ कंप्लेंट को ही कहीं मिस कर जाएं. और उसके साथ पेरिडोंटल प्रॉब्लम भी है, देन व्हाट माय जॉब वुड बी, आई वुड बी टॉकिंग एंड एड्रेसिंग द पेशेंट कि व्हाई दिस शुड बी ट्रीटेड प्राइमरली एंड दिस शुड बी ट्रीटेड द अर्लीस्ट. एंड पॉइंट ये है कि डॉक्टर उससे एग्री करे या ना करे, अगर अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी सिचुएशन है, दिस इज द एथिकल प्रैक्टिस, द डॉक्टर मे रिफ्यूज टू ट्रीट द पेशेंट. डॉक्टर पेशेंट को रिफ्यूज भी कर सकता है ट्रीट करने से इन द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली इन द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. अगर पेशेंट की डिमांड अनरियलिस्टिक है जो मैच नहीं कर रही, डॉक्टर प्रायोरिटाइज कर रहा है कि ये चीज ऐसे ऐसे प्लान होने चाहिए, मरीज कोई और ट्रीटमेंट प्लान के बात करें कि नहीं इसी तरीके से ये चीज ऐसे एड्रेस करें, और वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है या आपकी प्रायोरिटाइज लिस्ट के साथ मैच नहीं कर रही, तो यू मे हैव टू रिफ्यूज द पेशेंट फॉर डूइंग द ट्रीटमेंट. ओके, सो बट ऑब्वियसली रिफ्यूज करने से पहले यू विल बी, योर जॉब वुड बी एजुकेटिंग द पेशेंट कि ठीक है आपकी बात ये है, लेकिन आइडियल प्लान या सबसे पहले जो है वो यू नो. फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है ओपीजी के साथ और उसके अपर फोर में डेंटल इम्प्लांट लगने की जरूरत है, स्टेबल बोन, एवरीथिंग इज फाइन, लोअर सिक्स में केरीज है जो कि पल्प चैम्बर के करीब पहुंची हुई है, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप उसको ओपीजी देख के आप उसको ये गाइड करना शुरू कर देंगे कि भाई इसकी फिलिंग आप पहले करवा लीजिए. दिस इज वट वी टॉक अबाउट इन दी ऑर्थोडॉन्टिक, के प्रायोरिटाइज का मतलब क्या है और उसको एजुकेट. अब वो मरीज कहें नहीं जी आप जो है मेरी जो है वो वाइटनिंग कर दें और इसको छोड़ें, उसको इस केरीज को छोड़ें जो बिल्कुल पल्प चैम्बर के पास है, तो डेफिनेटली योर जॉब वुड बी कि आप उसको ये समझाएंगे कि जी ये पहले इसकी फिलिंग करवा लें, इसकी जो है जो बिल्कुल पल्प चैम्बर के करीब पहुंच के हुए है, और वाइटनिंग वाला जो प्रोसीजर है हम भी बाद में देखे जा सकते हैं, प्रायोरिटाइज उसमें ये है. अच्छा, उसके बाद आपको क्या है विद द फैमिली एंड द पेशेंट यू विल बी डिस्कसिंग ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस. करना क्या है सिंपल, इसमें एक ही बात है बड़े लंबे पैराग्राफ में जो लिखी हुई है कि यू वुड बी डूइंग द discussion with the family and you will be talking the different possibilities of the treatment. Ke, for example, hum misal lete hain ek class 2 patient ki, jisme ke severe overjet hai. To treatment possibilities kya hain? Usi growth modification kar sakte hain. ग्रोथ मॉडिफिकेशन दोनों तरीकों से हो सकती है, हाइपल हेडगियर लगाए तो वो ऑटो रोटेट करके मैंडिबल आगे आ जाएगा, या मैक्सिला की ग्रोथ रुक जाएगी वर्टिकल प्लेन और साइस्टल प्लेन में और मैंडिबल आगे आ जाएगा ठीक हो जाएगा, या मैंडिबल एडवांसमेंट कर सकते हैं ट्रेनिंग ब्लॉक वगैरह के साथ, या कैमोफ्लाज कर सकते हैं अपर फोर एक्सट्रैक्ट करके अपर टीथ को एक्सट्रैक्ट करके, या उसकी ऑर्थोगनेटिक सर्जरी हो सकती है. ये आपके पास डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडलिटीज आ गई. व्हाट योर जॉब वुड बी, यू वुड बी डिस्कसिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ट्रीटमेंट प्लान टू द patient and the family to discuss the different. For example, आप growth modification की बात करते हैं, patient
एन ब्लॉक या वो यूज ही नहीं करता, तो डे वन पे आपने डिस्कस किया होगा कि फिर अगर ये अप्लायंस यूज नहीं की देन द प्लान बी वुड बी दिस ऑर्थोग्नेस्टिक सर्जरी या कैमोफ्लाज शायद हमें करना पड़ सकता है अगर इस बच्चे ने ये अप्लायंस यूज नहीं की. दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान. फॉर एग्जाम्पल दूसरी उन्होंने मिसाल दी है कि इफ यू आर हैविंग अ डीप बाइट, हम डिफरेंट सिचुएशन डिस्कस करें एक चीज को ठीक करने. डीप बाइट को हम ट्रीट कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ बहुत डिटेल में, मैडम ने पढ़ाया हुआ आपको कि ट्रू इंट्रूजन. व्हाट इज ट्रू इंट्रूजन? ट्रू इंट्रूजन कि वो टूथ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द बोन इंट्रूड कर रहा है, ट्रू इंट्रूड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इंट्रूजन. रिलेटिव इंट्रूजन का मतलब क्या है? द इंसाइजर्स वुड रिमेन एट द सेम प्लेन एंड द पोस्टीरियर टीथ वुड अरप्ट एंड एज वेल एज द मैंडिबुलर ग्रोथ विल कंपनसेट द वर्टिकल अरप्शन ऑफ द टीथ. ठीक है, ट्रू इंट्रूजन क्या है कि जिसमें कि इंसाइजर्स इंट्रूड कर रहे हैं. रिलेटिव इंट्रूजन का मतलब क्या है कि इंसाइजर्स इंट्रूड नहीं कर रहे बल्कि पोस्टीरियर टीथ एक्सट्रूड कर रहे हैं और साथ में मैंडिबुलर ग्रोथ होने की वजह से उसका मैंडिबल डाउनवर्ड बैकवर्ड नहीं जा रहा. एक्सट्रूजन ऑफ द पोस्टीरियर टीथ क्या है कि उसमें वर्टिकल ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, पेशेंट अडल्ट है और पोस्टीरियर टीथ एक्सट्रूड कर रहे हैं. अब एक्सट्रूड करने की वजह से उसका वर्टिकल रेज करेगा क्योंकि देयर इज नो रेमल ग्रोथ रिमेनिंग to compensate for increase in the molar height by the extrusion of the incisor, by the extrusion of the posterior teeth. So we have three situations: true intrusion, which is the apical movement of the incisors; relative intrusion is the extrusion of the posterior teeth along with the vertical growth of the jaw; and extrusion of the posterior teeth in which the teeth extrude and the mandible go downward and backward. So what you have to do, you have to consider the macrostatics of patient. For example, if you are having incompetent lips, increased lower facial height, long face, तो उसमें आप ज़ाहरी बात है treatment plan करते हुए macrostatic कहाँ utilize हो रही है कि अब आप उसके deep bite का treatment plan कर रहे हैं. So कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक चीज सारी चीजें आप उसमें interact करते चले जा रही हैं. कैसे interact कर रही हैं कि macrostatic ने हमें ये dictate किया कि adult growth खत्म होने के बाद आप extrusion of the posterior teeth आप उसमें नहीं करेंगे. ठीक है, ये थोड़ा सा complicated concept है, इसको मैं skip कर रहा हूँ. इसी तरह आप एक class 2 elastic की मिसाल लेते हैं कि एक ऐसा patient जिसमें कि gummy incisor show जो है वो ज्यादा है और incisor show ज्यादा है, आपने class 2 elastic use किया जिसकी वजह से upper labial segment जो है वो extrude किया, उसकी extrusion के साथ क्या हुआ कि जो है वो इंसाइजर्स जो है वो एक्सट्रूड कर गए, तो अक्लूजन तो ठीक हो गई बट अक्लूजन ठीक होने के साथ साथ जो है उसके एस्थेटिक जो है वो खराब हो गए. दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स कि वो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट कर रहे हैं. दूसरे ने मिसाल दी एंटीरियर ओपन बाइट की, एक ऐसा मरीज जिसमें कि एंटीरियर ओपन बाइट है, एक ऐसा मरीज जिसमें एंटीरियर ओपन बाइट है लेकिन उसका इंसाइजर शो जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप उसमें क्या करेंगे कि जो है वो आप उसमें क्या करेंगे कि इंसाइजर शो नॉर्मल है तो ओपन बाइट को आप अपर इंसाइजर के एक्सट्रूजन के साथ ट्रीट नहीं करेंगे. यहाँ पे अक्लूजन रिलेट कर रही है मिनिस्थेटिक के साथ, ये इनका आपस में इंट्रैक्शन है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? बाय द इंट्रूजन ऑफ द पोस्टीरियर टीथ, क्योंकि इंसाइजर अपनी जगह पे बिल्कुल सही है as per the mini-static, as per the vertical relation of the upper incisor with reference to the lip. So you have to intrude the posterior teeth in order to close the open bite. In a similar way, if you are having like overjet, severe overjet, and the upper lip is very optimum with reference to the rest of the face, upper lip bilkul theek hai, severe overjet hai, then definitely you cannot retract the upper teeth back by camouflage. Then what you have to do, either आप growth modification करेंगे या mandibular advancement करेंगे, आप upper lip को छेड़ेंगे नहीं. This is what I'm trying to say, कि interaction of the different plans with each other and with reference to the macrostatic. What is compromise? Compromise का बिल्कुल simple concept है. Compromise का मतलब ये है कि your objective is in ideal circumstances has to have ideal occlusion, ideal facial aesthetic और आइडियल स्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट. कंप्रोमाइज का मतलब क्या है कि आप एक रिजल्ट को अचीव कर रहे हैं, दूसरे पे कोई कंप्रोमाइज कर रहे हैं. दिस इज नथिंग टू डू एंड दिस इज नॉट रिलेटेड विद रेफरेंस टू योर कैपेबिलिटी एंड एक्सपर्टीज. पॉइंट इसमें सिंपल एक ये है कि कंप्रोमाइज इन ट्रीटमेंट प्लान का मतलब क्या है कि यू हैव टू कंप्रोमाइज वन
goal or one objective in order to maximize the results or the goal of the other objective. Ideal occlusion, ideal statics or ideal stability, long-term stability. For example, aapke paas ek mareez aata hai severe overjet ke saath hai. Theek hai, humne kaha ki stability point of view se lower lip ki progression 2 mm se zyada unstable hai. To agar aap usko zyada procline kar rahe hain, aapko pata hai ki aap ek galat kaam kar rahe hain, but wo compromise isliye zaruri hai ki hum usko orthognathic surgery se bacha rahe hain. Agar to aap uska ideal treatment plan banta hai orthognathic surgery ke incisors ki position ko bone ke sath sath aage le jaye, BSSO karke advancement kar le. But hua kya ki incisors ko aapne procline kiya, you do the compromise on the stability. So this is the this is called compromise. So this is what is the analysis of the benefit versus cost risk ratio. Cost risk ratio ka matlab agar hum kisi misal pe aate hain ki hum compromise mein kya karte hain ki different goals ko ek dusre ke sath judge karte hain. Agar hum sari cheeze ek waqt mein achieve nahi kar sakte to kisi ek area pe compromise kar rahe hain to usko hum compromise kar rahe hain. Ab compromise karte waqt hum kya cheez dekhenge, cost versus risk ratio. Cost jo hai wo sirf paiso ke form but नहीं है, बल्कि what I always say, this is the burden of treatment. Burden of treatment is in the form of the discomfort, the time, doctor's time, patient time, pain, discomfort जिसने बर्दाश्त की है. और रिस्क का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप उसे ऑर्थोग्राफिक सर्जरी बता रहे हैं तो इन्फीलियर एल्वियोलर नर्व डैमेज हुई या बाकी कोई सर्जरी के जो रिस्क हैं, तो उन आप ये देखने असेस करते हैं कि क्या बेनिफिट हमें मिलेगा और उस बेनिफिट को अचीव करने के लिए हम क्या रिस्क ले रहे हैं. दिस इज द कॉस्ट वर्सेस रिस्क रेशियो. वी कुड हैव स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ये इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. इनफॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या है कि यू शुड नॉट हैव अ पैटर्नलिस्टिक एंड अ फादर लाइक अप्रोच. यू आर टेलिंग ट्रीटमेंट प्लान टू द पेशेंट, योर रोल वुड बी डिस्क्राइबिंग एंड गिविंग द ऑटोनॉमी टू द पेशेंट एंड द फैमिली टू चूज द बेस्ट treatment planning to choose the best treatment plan, and this treatment plan is guided and helped by the doctor. कि वो डॉक्टर क्या काम करेगा, हर प्लान के प्रोज एंड कॉन्स उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो उसके बाद जो है वो अपने से चूज कर लेंगे. ठीक है, इसमें बाकी ऐसा कुछ नहीं है as such important. I'm just focusing on your exam point of view. So treatment planning in specialist circumstances, quickly main isko khatam karta hu. पहली बात यह है कि पहले का कॉन्सेप्ट था कि एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ का जो है वो ऑर्थोडोंटिक रिस्पॉन्स नहीं करेगा, बट यू ऑल अवेयर ऑफ दिस कि ऑर्थोडोंटिक्स इज बेसिकली द पेरिडोंटल फिनोमेना. तो इसमें क्या होगा कि कि एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करेंगे और नॉर्मली रिस्पॉन्स करेंगे जिस तरह के बाकी टीथ रिस्पॉन्स करते हैं. ओकेजनली आपको हेमी सेक्शन करनी पड़ती है किसी टूथ की, तो जो बाकी रह गया हुआ टूथ होता है वो बिल्कुल नॉर्मल रिस्पॉन्स करेगा. लेकिन बट जहाँ पर हिस्ट्री ऑफ द ट्रामा है, चाहे उसकी आरसीटी हुई है या नहीं हुई, वो बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करेगा और उसमें देर वुड बी अ ग्रेट एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ द रूट रिजॉर्प्शन. ठीक है, इसके अलावा क्या है कि पेरिडोंटल ट्रीटमेंट कंसल्टेशन करते हैं. हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट प्लानिंग इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस. स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या क्या हमने डिस्कस कर रहे हैं, हमने कहा कि अगर रूट कैनाल हुई होगी तो वो एज अ नॉर्मल बिहेव करेगा. दिस इज नॉट दिस स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो कि हम परसीव करते हैं. अगर तो जो आपकी हेमी सेक्शन हुई हुई है तो आप बाकी टूथ को आप नॉर्मली मूव कर सकते हैं. हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉमा है तो रूट रिजॉर्प्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, तो आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना है. बाकी क्या है कि अगर पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स हैं तो ऑसियस सर्जरी वो की जाती है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होने के बाद. लेकिन जो सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज हम करते हैं, गम सर्जरीज, वो ऑर्थो ट्रीटमेंट से पहले करते हैं ताकि उसके मूवमेंट में इंपेयर ना करें और प्रोग्रेस ना करें. सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं तो डायबिटीज में क्या था, डायबिटीज हम क्विकली हम खत्म करते हैं इसको. कि डायबिटीज जो पेशेंट आपको पता है उसमें क्या इश्यूज होते हैं, कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज टाइप काइंड ऑफ सिचुएशन होती है, पेरिडोंटल प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं और ऑर्थोडोंटिक फेसेस देने की वजह से देयर इज अ मोर चांसेस ऑफ रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ द एल्वियोलर बोन लॉस इन अ पेशेंट विद डायबिटीज और जो है, और देयर इज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ द एक्सेलरेटेड
periodontal breakdown in the patient with the diabetes. Lekin jo normal ya controlled diabetes is behaving like a normal patient, to orthodontic treatment ka ye hai ki aap usko bahut carefully monitor karenge. Ek baat monitor karenge, dusra kya hai ki prolonged comprehensive treatment jo hai usme avoid karenge. Arthritic degeneration mein kya hai ki juvenile rheumatoid arthritis jo hai wo bachchon mein ho sakta hai jo ki severe mandibular deficiency cause karta hai. Severe mandibular deficiency ho jati hai to is wajah se aap, lekin aise patient mein aap na hai wo twin block para nahi de rahe hote. तो बाकी जो एडल्ट ऑनसेट रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है कंडाइलर प्रोसेस को और डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है. ये सिस्टेमिक डिजीज कर रहे हैं जो कि प्रॉब्लम कर रहे हैं. तो रिड्यूस मैंडिबुलर ग्रोथ जो है वो होगी अगर आप उसके अंदर स्टीराइड इंजेक्ट कर रहे होते हैं टीएमजे के अंदर. बाकी ये कि स्टेराइड इंजेक्ट करने की वजह से आपको सिस्टेमिक इश्यूज भी आ रहे होते हैं. जो पेशेंट स्टेराइड दे रहा होता है वो बिस्फॉस्फोनेट भी लेता है जिसकी वजह से ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट वैसे ही बिस्फॉस्फोनेट की वजह से स्टॉप हो जाती है. तो दीज आर दिस स्पेशल सर्कमस्टांसेस. बाकी ये है कि कुछ पेशेंट में मैलिग्नेंसीज वगैरह में भी अब जो है वो बहुत कॉमन हो गया है कि वो पेशेंट जो कि मैलिग्नेंसीज में भी होते हैं तो फादर अपने हर बेस्ट पॉसिबल करने के लिए उनको ऑर्थो ट्रीटमेंट भी करवा रहे होते हैं. तो वो उसमें जो है, लेकिन आपने करना क्या है कि लिमिटेड ऑब्जेक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स के साथ करेंगे जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ उसको आप कर सके. प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जिंजिवल हाइपरप्लेसिया होते हैं, हार्मोनल वेरिएशंस कर रहे होते हैं, बोन टर्नओवर जो है वो प्रेगनेंसी लैक्टेशन में इंक्रीज कर चुका होता है, तो ऑर्थोडोंटिस्ट शुड बी अवेयर ऑफ द इंक्रीज्ड एल्वियोलर बोन रिमॉडलिंग पैटर्न. एंड तो उसमें रूट आप करें क्या कि होल्ड कर लें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को फॉर फ्यू फॉर स्पेशली इन द लास्ट ट्राइमेस्टर जिसमें एक्टिव टूथ मूवमेंट का आप स्टॉप कर लें. जॉइंट इंजरीज में क्या है कि अगर मैक्सिला को जॉइंट इंजरी हुई हुई है और आपके पास एक मोडालिटी थी फेस मास्क की, तो अगर आपने इमीडिएट रिस्पॉन्स या इमीडिएट उसको डिस्प्लेस या रिपोजिशन नहीं किया तो डिस्प्लेस्ड मैक्सिला कैन बी सो आप उसको प्रोटेक्शन फेस मास्क के साथ बिफोर the fracture heal completely you can move and reposition the fractured maxilla with the help of the face mask. Coming to the mandibular facial asymmetry by the trauma, isme simple baat ye hai ki trauma ke baad agar aapne ye cheez dekhni hai ki mandible ki translation jo hai wo kitni hai, if the mandible is not being translated forward to usme twin block ya functional pines bilkul kaam nahi karenge kyunki scarring ho chuki hui hai. However if you are having a slight फॉरवर्ड ट्रांसलेशन इन एसिमेट्रिक मैंडिबल, तो आप क्या करेंगे कि एसिमेट्रिक मैंडिबल में एसिमेट्रिक एडवांसमेंट के साथ, जिस तरह हम फुल फंक्शनल पाइंस काम करती है तो मैंडिबल एडवांस कर लिया. अब अगर एसिमेट्री है बट इफ द मैंडिबल इज इफ द टीएमजे इज बीइंग ट्रांसलेटेड फॉरवर्ड, सो व्हाट यू डू अ काइंड ऑफ अ फंक्शनल पाइंस व्हिच कैन एसिमेट्रिकली एडवांस द मैंडिबल, एंड दिस इज व्हाट यू डू इन अ पेशेंट ऑफ द ट्रॉमा एंड इन द पेशेंट ऑफ द हेमिफेशियल माइक्रोसोमिया. यू एसिमेट्रिकली एडवांस द मैंडिबल एंड यू डेवलप अ काइंड ऑफ सिचुएशन इन व्हिच द रेस्ट ऑफ द ग्रोथ कैन अकर सिमेट्रिकली. सो यू डू गिव अ काइंड ऑफ अप्लायंस व्हिच इज कॉल्ड द हाइब्रिड फंक्शनल पाइंस. हाइब्रिड फंक्शनल पाइंस इज गिवन इन एसिमेट्रिक पेशेंट. हाइब्रिड फंक्शनल पाइंस में क्या होता है कि जहां पर नॉर्मल डेंटिशन है वहां पे बाइट ब्लॉक होगा और उनके अरप्शन को स्टॉप कर देंगे, एंड दूसरी साइड जो एबनॉर्मल साइड है जहां पे एसिमेट्री जहां पे फेशियल एसिमेट्री है वहां पर दे विल प्रोवाइड स्पेस फॉर द अरप्शन ऑफ द डेफिशिएंट एरिया. हो क्या रहा है कि जहां पर जो है वो नॉर्मल है उसको आपने बाइट ब्लॉक के साथ देके नॉर्मल टीथ के अरप्शन को आपने स्टॉप कर लिया, लेकिन जहां पर एसिमेट्री है वहां पर आपने स्पेस दे दी ताकि ये टीथ सुप्रा अरप्ट करते चले जाए. सुप्रा अरप्ट करके अगर एक तरह से ज्यादा अरप्ट कर गए दूसरे से नीचे से भी अरप्ट करके तो आपके एक सिमेट्री डेवलप हो सके. दीज आर द ऑब्जेक्टिव. दूसरा ये था कि आप एसिमेट्रिक एडवांस करके उसकी जो प्रोट्रोसिव बाइट आप ले रहे हैं ट्विन ब्लॉक की वो जिस तरफ एसिमेट्री हो उस तरफ से ज्यादा एडवांस करेंगे. कमिंग टू द हेमीमैंडिबुलर हाइपरट्रॉफी. हेमीमैंडिबुलर हाइपरट्रॉफी क्या चीज है कि उसकी कंडाइल बिल्कुल नॉर्मल है. हुआ क्या कि जो कंडाइल कार्टिलेज है वो ज्यादा ग्रो करना शुरू कर दी, ठीक है, और मैंडिबुलर कंडाइल और लेंथ देयर इज अ लेंथनिंग ऑफ द कंडाइलर नेक, लेकिन उसकी जो हिस्टोलॉजिकल देयर इज नो हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस फ्रॉम द नॉर्मल कंडाइल. एक साइड से कंडाइल कंडाइलर नेक और हाफ साइड ऑफ द जो मैंडिबल है वो ग्रो करना शुरू करते हैं जिसकी वजह से एक साइड से वो जो है वो उसकी बॉडी और पूरा मैंडिबल डाउनवर्ड फॉरवर्ड आ गया. ये ज्यादातर होता है लेट टीन्स में, कॉमन गर्ल्स में है और बिगन इन द अर्ली एज. क्या तीन चार फैक्टर बताए हैं कि कंडाइल कार्टिलेज नॉर्मल है, हिस्टोलॉजिकल फीचर नॉर्मल है, कंडाइलर
cartilage, neck of the condyle, half side of the mandible, downward forward move करना शुरू कर दिया है. mandible hypertrophy का नाम इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि half side is involved, इसमें उसका ramus और body भी involved होती है. लेकिन अगर हम उसको इसका पुराना नाम जो था वो condylar hyperplasia था, क्योंकि पहले ये concept था कि बिल्कुल सिर्फ condyle पर ही hyperplasia हो रहा है. however this is not the complete misnomer, क्योंकि condylar hyperplasia भी इसका एक सही नाम है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जो ग्रोथ हो रही है वो कंडाइल पे ही हो रही है. तो द कंडाइल हाइपरप्लेसिया और हेमिमेंडिबुलर हाइपरट्रॉफी आर द नेम गिवन टू द सिचुएशन व्हिच आई डिस्क्राइब. ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे, इसकी दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है. एक ऑप्शन क्या है कि आप उसके बीएसएस से करो या उसके रेमस की ऑस्टियोटॉमी करें, रेमस के पॉइंट के ऊपर ऑस्टियोटॉमी हो रही है. दूसरी ऑप्शन क्या है कि कंडाइलेक्टमी करें और कंडाइल को एड्रेस करें. अब आंसर इसका क्या है कि आपने कंडाइल को ट्रीट करना है या रेमस को ट्रीट करना है, ये डिपेंड करता है कि उस वक्त एक्टिव ग्रोथ हो रही है नहीं. बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, अगर तो एक्टिव ग्रोथ और पॉलिफ्रेशन हो रही है तो आप अगर बॉडी या रेमस को ट्रीट कर भी देंगे तो ऑर्थोग्राफिक सर्जरी होने के बाद वो फिर पॉलिफ्रेट किए चले जा रहा है. तो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी कि इफ द पेशेंट इज ग्रोइंग एंड देयर इज अ डेवलपिंग एसिमेट्री बिकॉज ऑफ द पॉलिफ्रेशन फ्रॉम द कंडाइल, तो आप कंडाइलेक्टमी करेंगे. कैसे करेंगे, कॉस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट देंगे या कंडाइलर शेविंग करेंगे. दो काम कर सकते हैं, कॉस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ्ट दे सकते हैं या कंडाइलर शेव करके उसको ठीक कर सकते हैं. अब आप ये कैसे पता चलेंगे कि एक्टिव ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, ये काम आप कर सकते हैं टेक्नीशियन 99 स्कैन के साथ. टेक्नीशियन 99 स्कैन के साथ शॉर्ट लिविंग गैमा एमिटिंग आइसोटोप्स हैं जो कि जहां पर एक्टिव बोन डेपोजिशन हो रही होती है यहाँ पर भी डेपोजिट हो जाते हैं. अगर इफ देयर इज हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट क्या होता है, जहां पर एक्टिव रीमॉडलिंग ऑफ द बोन हो रही है या जो है वो एल्वेलर हाउसिंग में टीथ अरप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हॉटस्पॉट आ जाएगा जो बता देगा कि एक्टिव ग्रोथ हो रही है. एक्टिव ग्रोथ हो रही है तो कॉन्डलेक्टमी करेंगे, एक्टिव ग्रोथ स्पॉट खत्म हो गई है तो फिर आप रेमस ऑस्टियोटॉमी करेंगे. हाउएवर टॉकिंग अबाउट द टेक्नीशियन 99 स्कैन, इसका फॉल्स पॉजिटिव बिल्कुल रेयर है. फॉल्स पॉजिटिव रेयर का मतलब क्या है कि आपको हॉटस्पॉट आ रहा है तो इस चीज के चांसेस बहुत कम है कि ये गलत रिजल्ट है, ठीक है. और फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपके पास रिपोर्ट ये आई है कि देयर इज नो हॉटस्पॉट और इन फैक्ट ये एक्चुअली वहां पर ग्रोथ हो रही है. तो ये इस टेस्ट के बारे में ये याद रखिएगा कि इसका फॉल्स नेगेटिव ज्यादा है और फॉल्स पॉजिटिव रेयर है. फॉल्स पॉजिटिव रेयर का मतलब क्या है कि स्कैन शो कर रहा है कि वहां पर एक्टिव ग्रोथ हो रही है जबकि इनफैक्ट वहां पर जो है फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर वहां पे पॉजिटिव रिस्पांस आया तो इस चीज के चांसेस ना होने के बराबर हैं कि वहां पर एक्टिव ग्रोथ नहीं हो रही, मतलब डेफिनेटली वहां पर एक्टिव ग्रोथ हो रही है, ठीक है. फॉल्स नेगेटिव का मतलब यह है कि अगर आपके पास स्कैन की रिपोर्ट आती है कि जी कोई एक्टिव ग्रोथ नहीं है तो इस बात के चांसेस हैं कि इनफैक्ट वहां पर प्रोलिफरेशन हो रही होगी. Moving to the last topic, sleep apnea. Sleep apnea क्या है कि apnea का मतलब क्या है कि cessation of the breath. Sleep apnea means कि सोते हुए जो है वो जो breathing जो है वो completely stop कर जाती है. होता इसमें क्या है कि जिस तरह orthodontic में removable appliance, fixed appliance, functional appliance है, तो ये भी एक appliance है जो कि jaw के position को एक particular position के ऊपर ले जा के रखती है. What actually do sleep apnea क्या होता है कि there is a cessation of the breathing in the respiratory cycle while doing the sleep. कि पेशेंट सो रहा होता है तो उसकी ब्रीथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, जिसको से उसकी आंख खुल जाती है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है. बाय द नर्विंग ऑफ द पैसेज फ्रॉम द एयर नॉस्ट्रल टू द लंग, लंग और नॉस्ट्रल के दरमियान में किसी जगह पे भी हो सकता है. हाउएवर दिस इज मोर कॉमन इन द अपर फेरिंग्स इन द और एंड इन द मिड ऑफ द फेरिंग्स, जहां पर जो टंग जो है वो उसको ब्लॉक कर सकती है. अब क्योंकि टंग के बहुत सारे मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं मैंडिबल के साथ, तो आपकी कोई भी मैंडिबल एडवांसमेंट अप्लायंस जो कि मैंडिबल को एडवांस करके रखेंगी तो वो आपके टंग को फॉरवर्ड पोजीशन में लेके रखेंगी जब पेशेंट सो रहा होगा. तो हुआ क्या कि ये मैंडिबल एडवांसमेंट अप्लायंस आर द पार्ट ऑफ द ऑर्थोडॉन्टिक्स, वेरी कॉमन इन लेटेस्ट ट्रेंड इन दिस कि मैंडिबल एडवांसमेंट अप्लायंस जो मैंडिबल को आगे करके रखती हैं वो क्या करते हैं कि मैंडिबल को आगे रखते हैं तो वो टंग को आगे रखते हैं, तो पेशेंट रात को सोते में अच्छे तरीके से कर सकता है. इसको डायग्नोज आप कैसे करते हैं, पॉलीसोमनोग्राफी के साथ और सेफ के ऊपर भी आपके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स वगैरह में आपको इसको फील हो जाएगा. और सीबीसीटी स्कैन जो है उसके साथ भी असेस कर सकते हैं, लेकिन उसका मसला ये कि सीटी स्कैन वगैरह ना एक टाइम का स्कैन बताएगा. हाउएवर जो एयर पैसेज या एयरवे जो है वो चेंज कर रही होती है बाय द चेंज
ऑफ द पोस्चर, स्पाइन पोजिशन या जैसी पोजिशन में जाएगा, अगर स्लीपी पोजिशन बिल्कुल सीधा होकर सो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी टंग बैक फॉल करेगी, टेढ़ा होकर या साइड होकर होकर करवट लेके या कंधे के बल सो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी पोजिशन ऐसा होगा कि जिसमें उसका एयर वे ज्यादा क्लियर होगा। इसके अलावा इसके रिस्क फैक्टर में क्या है कि मैंडिबुलर डेफिशिएंसी जितना ज्यादा डेफिशिएंट होगा उतना ज्यादा वो टैंक को पीछे ले जाएगा फेरिंग्स की तरफ और मैंडिबुलर डेफिशिएंसी आएगी। ओबेसिटी और इंक्रीजिंग एज के उसका रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी और इंक्रीज एज ज्यादा होने के साथ उसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा और ये प्रॉब्लम होगी। लॉस ऑफ द मसल टोनिसिटी, तीन चार बातें बताएंगे, स्पाइन पोजीशन पे होने का मसला होगा, मैंडिबुलर डेफिशिएंसी में होगा, ओबेसिटी से ज्यादा होता जाएगा, इंक्रीजिंग एज से ज्यादा होता जाएगा, लॉस ऑफ टोनिसिटी, जितनी टोनिसिटी खत्म होगी फ्रेंजियल मसल्स की टंग की जितना टंग फॉल बैक करेंगे और जो है वो ये कोलैप्स की तरफ जाएगा। इसका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या है, ऑर्थोडॉन्टिस्ट का इसमें क्या इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी कर सकते हैं या मैंडिबुलर एडवांसमेंट प्लान करेंगे। मैंडिबुलर एडवांसमेंट प्लान को मैंने बता दिया कि वो मैंडिबुल को आगे करके रखेगा, टंग को आगे ले जाएगा, तो इसी तरह कॉमन सेंस क्या कहती है कि अगर हम एक्सपेंशन करेंगे ऑब्वियसली एक्सपेंशन के साथ जो है वो फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और एयरवे जो है वो अच्छे तरीके से वो ले सकेगा, एक्सपेंशन एडवांसमेंट सर्जरीज के साथ करेगा। हाउएवर दिस वुड बी क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर यू टू नो अबाउट दिस दैट द इंपैक्शन सर्जरीज आल्सो इंक्रीज द एयरवे। इंपैक्शन ऑफ द मैक्सिला वो कैसे करेगा कि जब भी हम इंपैक्शन करते हैं तो नॉस्ट्रल्स का साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो नॉस्ट्रल्स का साइज इंक्रीज करने की वजह से एविडेंस सेज के जो है वो एयरवे रेजिस्टेंस जो है वो कम हुई विद द इंपैक्शन ऑफ द मैक्सिला। कौन कौन से सर्जरीज की हैं, मैंडिबुलर एडवांसमेंट, मैक्सिलर एडवांसमेंट, मैक्सिलर एक्सपेंशन एंड मैक्सिलर इंपैक्शन एज वेल बाय द इंक्रीज बाय द इफेक्ट ऑफ द मैक्सिलर इंपैक्शन ऑन द नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल का साइज इंक्रीज किया तो वो इंक्रीज कर गया। अच्छा, इसके रिजल्ट्स आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी इज वन ऑफ द डेफिनेटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट इन द एडल्ट्स, ठीक है, और जो जो इंट्रोरल अप्लायंस है वो आप यूज करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में, और इन अप्लायंसेस के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, दिस इज एग्जैक्टली लाइक फंक्शनल अप्लायंस की सारी बात है, मैंडिबल को आगे करके रखना है तो लो टीथ प्रोक्लाइन होंगे, अपर रेट्रोक्लाइन होंगे और सोरनेस और सिरोस्टोमिया, ये सारे उसके इफेक्ट्स उसके ऊपर आ सकते हैं, जिनको कि आप सेफ और सीबीसीटी के साथ अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। हाउएवर प्लीज नोट डाउन द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर असेसमेंट ऑफ द स्लीप एपनेस पॉलीसोमोग्राफी। पॉलीसोमोग्राफी इज नाइट टाइम स्टडी के पेशेंट को उस कमरे में ले जाकर सुला दिया जाता है जहाँ पे ईसीजी, ईवे और उसके ब्रीदिंग पैटर्न, वाइटल्स उसके सारे रात मॉनिटर होते रहते हैं। इसके साथ आप उसको असेस कर लेंगे कि जी इस ट्रीटमेंट मॉडलिटी का कितना बेसिकली इम्पैक्ट आया। बाकी क्लेफ्ट के लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड होकर जा चुके हैं, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, फॉर हेल्पिंग मी इन रिकॉर्डिंग। थैंक यू।